हम देखते हैं लॉ, या इसी को हम प्लास्टिड भी कहते हैं, इंग्लिश में प्लास्टिक और हिंदी में इसको लवक कहते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, या मैं ये बोल सकते हैं जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वहां पे यह पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादपों में होती है, तो यह पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका अंग है। यह कितने प्रकार का होता है? यह प्रमुख तीन प्रकार का होता है, एक अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक। देखो वर्णी और अवर्णी क्या हो गया, अवर्णी का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई कलर ही नहीं हो, और तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यह तीन प्रकार के लवक इसमें पाए जाते हैं, कौन सा अवर्णी लवक, वर्णी लवक तथा हरित लवक। यह तीनों का क्या कार्य है अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि यह इसकी हरित लवक या इसकी जो लवक होती है इसकी संरचना गोलाकार या एक तस्तरी नुमा इसकी संरचना या अंडाकार भी इसकी संरचना को हम बोल सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का एक आवरण होता है, इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ रहता है, इसको है स्ट्रोमा कहता हूं, तथा इसमें आपको यहाँ पे जाली के समान संरचना दिखाई दे रही है। यह क्या है, इसमें ये जो आपको एक के ऊपर एक ऐसी पट्टियां दिखाई दे रही है इसको बोलता हूं मैं थाइलाकॉइड्स, तथा यह जब थाइलाकॉइड समूह में एक के ऊपर एक होती है तो इसको सामूहिक रूप से हम ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और ये एक लेमिनी के द्वारा जुड़ी होती है ये सभी एक दूसरे की संरचनाएं, तो यह स्ट्रोमा लेमिनी होते हैं। तो यह संरचना इस प्रकार से होती है, और इसकी एक विशेषता और भी होती है जो कि जैसे हमने जंतु कोशिका में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी उसमें अपना खुद का आरएनए तथा राइबोसोम थे, तो पादप कोशिका में यह संरचना जो खुद का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है वह इस संरचना में होता है लवक के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कोशिका अंग का नाम बताओ जिसमें अपना खुद का आरएनए और राइबोसोम होते हैं, तो हमें बताना है कि ऐसी संरचना यह जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और जंतु पादप में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते, तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तथा पादप कोशिका में जो होती है वह लवक के अंदर अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक का क्या काम होता है, देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह जो पौधे होते हैं उसके यह जड़ों वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका प्रमुख कार्य जो होता है यह खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। क्या करता है, खाद्य पदार्थों का संचयन, जैसे कौन से पदार्थ हो गए, स्टार्च, तेल, ऑयल भी होता है ना पदार्थों में, और प्रोटीन आदि का क्या करता है यह संचयन करता है उस जड़ों वाले भागों में, तथा जो क्रोमोप्लास्ट होता है यह पौधों में जो विभिन्न प्रकार के रंग हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल देखते हैं, फलों का भी जो रंग होता है वह अलग अलग के प्रकार का होता है, तो वह क्यों होता है, यह वर्णी लवक के कारण होता है। जो पौधों में विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं वह कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वर्णी लवक। अब तीसरा है हरित लवक, हरित लवक नाम से क्लियर है
कि यह कोशिका में जहाँ पे हरी पत्तियां होती है वहां पे यह पाया जाता है। अर्थात मैं बात करता हूं कि जो हरे द्रवक होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि यह भोजन के जो संश्लेषण होता है उसमें यह प्रमुख भूमिका निभाता है। भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, वही हमारा भोज्य पदार्थ होता है। तो हरित लवक जो होता है प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार यह हरित लवक हो गया जो कि पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब हम देखते हैं रसधानी या विक्योस। रस धानी या इसी को मैं क्या बोलता हूं, विक्योल। रसधानी या वेक्योल्स जो होता है यह जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। बस अंतर यह है कि जो हमने जंतु कोशिका देखी थी, जंतु कोशिका में यह क्या होता था, बहुत ही छोटे छोटे आकार का होता है। जबकि पादप कोशिका हमने देखी तो पादप कोशिका में यह क्या है, काफी बड़ी आकृति इसकी होती है। इस प्रकार से पादप कोशिका की संरचना थी। तो पादप कोशिका में क्या है, यह ये कोशिका झिल्ली और इसमें इसकी संरचना जो थी वह काफी बड़ी थी। तो यह क्या है, वेक्योल, या इसको हम बोल सकते हैं रस धानी। अब इस रसधानी के ऊपर एक ये झिल्ली पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा कि जो वेक्योल्स या रसधानी की जो झिल्ली होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट या रसधानी कहते हैं। इस रसधानी के अंदर कुछ तरल तथा कुछ कठोर पदार्थ भरे रहते हैं जिसको हम कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से कुछ पदार्थ भरे रहते हैं जिसको हम कोशिका रस, क्या कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। यह कोशिका अब देखिए सॉरी हमने केंद्रक का नामकरण कर दिया, आप इसको ये ठीक है, ये क्या है, जंतु कोशिका और ये क्या है, पादप कोशिका। दोनों में अंतर है कि इसका जो वेक्योल्स या रसधानी है बहुत छोटी है जबकि इसकी रसधानी काफी बड़ी है। इसकी जो मेम्ब्रेन्स है इस रसधानी की, इसकी मेम्ब्रेन्स को या इसकी मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पादप कोशिका जो मैच्योर पादप कोशिका होती है उसमें तो यह इतनी बड़ी होती है कि पूरी कोशिका का 90% भाग घेर लेती है। आप सोच सकते हो कितना प्रतिशत भाग, 90% भाग को घेर लेती है। इसके अंदर कोशिका रस रहता है। अब ये कोशिका रस में कई प्रकार के लवण, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आदि यह पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ लवण, कुछ इसमें प्रोटीन के पदार्थ, कुछ इसमें शक्कर, इस प्रकार के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, और क्या हो गया, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि इसमें अमीनो अम्ल आदि पदार्थ इसमें भरे रहते हैं। अब इन पदार्थों का क्या ऐसी जरूरत है कि यह इसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं यह कोशिका रस के अंदर। इन पदार्थों का क्या प्रयोजन है, क्यों पाए जाते हैं कोशिका रस के अंदर या वेक्योल्स में? देखिए जंतु कोशिका में तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन
जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में इनकी इन पदार्थों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पादपों में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्र में होती है, और उस क्षेत्रों में जो कोशिकाएं होती है वह बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा वृद्धि करती है। तो उस वृद्धि के लिए हमें बहुत ज्यादा इन पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उतनी मात्रा में कोशिका द्रव के अंदर जो पदार्थ होते हैं, क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव में उतनी ज्यादा मात्रा में पदार्थ नहीं बन पाते जितनी की यहाँ पे ग्रोथ वाले क्षेत्र में पादप में जरूरत होती है। तो वो इस वेजिट्स के अंदर उपस्थित इन पदार्थों का उसमें उपयोग करते हैं वृद्धि के लिए। तो इसलिए पादप कोशिका में जहां पे वृद्धि वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि ये पदार्थ उसके वृद्धि के उपयोग में आ सके। जबकि जंतु में ऐसा नहीं है, क्योंकि जंतु में जो वृद्धि होती है वह समान रूप से होती है। पादप कोशिका में कुछ निश्चित क्षेत्र में हमने उत्को में यह देख चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कोशिका रस का पादक कोशिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा, पादक कोशिका के अंदर यह कोशिका को कुछ दृढ़ता तथा सहारा प्रदान करने का भी काम करती है, यह व्यक्तियों। अब इनके हम काम की बात कर ले कि यह कोशिका के अंदर इसके क्या कार्य होते हैं। तो क्या कार्य है कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में कार्य लेते हैं, जंतु कोशिका में पानी का संतुलन बनाने का काम करते हैं, बनाए रखते हैं, ये इसका प्रमुख कार्य हो गया। तथा यह जंतु कोशिका में तो हो गया, कोशिका रस तथा साइटोप्लाज्म को यह क्या करते हैं, अलग करते। देखिए ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य तथा ये कोशिका रस को भी यह अलग रखने का काम कर रहा है। इसके अंदर जो टोनोप्लास्ट होती है, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका रस और कोशिका द्रव्य के बीच में यह पाई जाती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यह कोशिका द्रव्य तथा कोशिका रस को पादक कोशिका में को दृढ़ता प्रदान करती है, प्रदान करती है, संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ को संग्रहित रखती है। ऐसा संचित भोज्य पदार्थ है जो कि कोशिका में वृद्धि को, वृद्धि के समय इनके उपयोग में यह काम आते हैं। तो इस प्रकार से यह रसधानी हो गई। अब हम देखते हैं अगला।